Hello friends, welcome to my YouTube channel New Tech Sajur Alam. Please like and subscribe my YouTube channel and like Facebook page. आज के वीडियो में बिटकॉइन से संबंधित ताजा खबर के बारे में बात करेंगे. चलिए शुरू करते हैं आज का ताजा खबर. और काम करना है 11 साल पहले सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन समुदाय को एक अंतिम संदेश भेजा था. आज तक सातोशी नाकामोटो बिटकॉइन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, क्योंकि लोगों ने निर्माता की पहचान को उजागर करने के लिए दूर दूर तक खोज की है. 11 साल पहले 12 दिसंबर 2010 को छद्म नाम वाले ब्लॉकचेन प्रोग्रामर या प्रोग्रामर ने क्रिप्टो समुदाय को एक अंतिम संदेश छोड़ा था, जिसमें जोर दिया गया था कि सेवा से इनकार, डीओएस पर और काम करना है. अगला, यूके के खुफिया प्रमुख ने वैश्विक लेनदेन को नियंत्रित करने के लिए डिजिटल रेनमिनबी के उपयोग के बारे में चिंता जताई. यूके में तीन बड़ी खुफिया एजेंसियों में से एक सरकारी संचार मुख्यालय GCHQ के प्रमुख ने चीन और उसके डिजिटल रेनमिनबी के बारे में चिंता जताई है. सर जेरेमी फ्लेमिंग ने कहा कि पहले से मौजूद चीनी CBDC का उपयोग उपयोगकर्ताओं से जानकारी एकत्र करने और काल्पनिक रूप से वैश्विक लेन देन को नियंत्रित और फिल्टर करने के लिए किया जा सकता है. अगला, रिच डैड पुअर डैड के रॉबर्ट कियोसाकी ने जोर देकर कहा कि अवसाद आ रहा है. भविष्यवाणी सोना, चांदी, बिटकॉइन, रियल एस्टेट भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा. सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि एक दुर्घटना और एक अवसाद आ रहा है. यह भविष्यवाणी करते हुए कि सोना, चांदी, बिटकॉइन, रियल एस्टेट भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा. उन्होंने कहा कि वह दुर्घटना के बाद सभी चार प्रकार के निवेशों को खरीदने के लिए तैयार हो रहे हैं. अगला खबर, उद्योग में शामिल होने के लिए कोरियाई अधिकारियों ने नौकरी छोड़ दी, कानून निर्माता ने खुलासा किया. दक्षिण कोरिया में सरकारी अधिकारी तेजी से क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र में कैरियर के अवसरों का चयन कर रहे हैं. उनमें से कुछ वित्तीय अधिकारियों से आते हैं जो स्थानीय मीडिया द्वारा उद्धृत एक कोरियाई सांसद के निष्कर्षों के अनुसार नैतिक प्रश्न उठाते हैं. अगला खबर, विश्लेषकों को उम्मीद है कि 2022 में अमेरिका उचित विनियमन के साथ क्रिप्टो को गले लगाएगा. ताजा बिटकॉइन बुल मार्केट को देखता है. ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के विश्लेषक माइक मैकग्लोन ने क्रिप्टो क्यूरेंसी बाजार के आगे बढ़ने के लिए अपना दृष्टिकोण साझा किया है. हम उम्मीद करते हैं कि यूएस 2022 में उचित विनियमन और संबंधित तेजी मूल्य प्रभाव के साथ क्रिप्टोकरेंसी को गले लगाएगा, उन्होंने विस्तार से बताया. यह देखते हुए कि बिटकॉइन $1,00,000 के लिए एक प्रक्षेप वक्र पर प्रतीत होता है, विश्लेषक ने कहा कि हमें एक रुका हुआ सही और ताजा बुल मार्केट देखने की संभावना है. अगला खबर, प्रधानमंत्री मोदी का ट्विटर अकाउंट है ट्वीट्स. भारत में बिटकॉइन लीगल टेंडर सरकार BTC दे रही है. भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट से समझौता किया गया था और एक ट्वीट पोस्ट किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि भारत सरकार ने बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाया है और देश के सभी निवासियों को वितरित करने के लिए 500 सिक्के खरीदे हैं. यह हैक भारत में एक महत्वपूर्ण समय पर आया, क्योंकि सरकार क्रिप्टोक्यूरेंसी कानून पर सक्रिय रूप से काम कर रही है. अगला, एक्सचेंज ने अपना मूल टोकन GLT लॉन्च किया. गैलीलियो एक्सचेंज एक क्रिप्टो एक्सचेंज, एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट और त्वरित मूल्य गतिशीलता के नवाचार का एक महत्वपूर्ण संकर है. यह विश्वसनीयता, नवीनता, मूल्य और मनोरंजन लाने के लिए इन आवश्यक तत्वों को जोड़ती है. अगला खबर, थाईलैंड भुगतान के लिए क्रिप्टो उपयोग को प्रतिबंधित नहीं करता है, लेकिन मूल्य में उतार चढ़ाव की चेतावनी देता है. बैंक ऑफ थाईलैंड के अधिकारियों का कहना है कि भुगतान के साधन के रूप में क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करना अवैध नहीं है. हालांकि उन्होंने कहा कि कीमतों में उतार चढ़ाव सहित उपयोगकर्ताओं को जोखिमों को स्वीकार करने में सक्षम होना चाहिए. अगला खबर, फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डीसेंटिस ने राज्य शुल्क के लिए एक क्रिप्टो क्यूरेंसी भुगतान प्रणाली बनाने का प्रस्ताव रखा. फ्लोरिडा के 46वें गवर्नर रॉन डीसेंटिस के रूप में सेवारत अमेरिकी राजनेता और वकील ने
पिछले हफ्ते राज्य के 2022 से 23 के बजट प्रस्ताव की घोषणा की और व्यवसायों को क्रिप्टो संपत्ति के साथ राज्य शुल्क का भुगतान करने के लिए एक विचार का प्रस्ताव दिया। गवर्नर का फ्रीडम फर्स्ट बजट क्रिप्टो क्यूरेंसी में राज्य शुल्क स्वीकार करने के लिए फ्लोरिडा में एक विभाग बनाने का सुझाव देता है। अगला खबर, क्रिप्टो विनियमों पर कार्य समूह स्थापित करने के लिए रूस की फेडरेशन काउंसिल। रूसी विधायिका की फेडरेशन काउंसिल क्रिप्टोकरेंसी के लिए व्यापक नियमों का प्रस्ताव करने के लिए एक कार्य समूह का गठन कर रही है। कई मंत्रालयों और सरकारी एजेंसियों के अधिकारी साथ ही देश के बढ़ते क्रिप्टो उद्योग के सदस्य निकाय में शामिल होंगे। अगला खबर, संस्थागत निवेशकों को अगले साल क्रिप्टो मार्केट में बड़े सुधार की उम्मीद है। कई संस्थागत निवेशक अगले साल क्रिप्टो क्यूरेंसी बाजार में एक बड़े सुधार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। नेटिक्सिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स द्वारा प्रकाशित एक सर्वेक्षण से पता चलता है, क्रिप्टो को एक बड़े सुधार के लिए शीर्ष दावेदार के रूप में देखने के बावजूद संस्थागत निवेशक तेजी से परिसंपत्ति वर्ग को गर्म कर रहे हैं। इसी के साथ आज का ताज़ा खबर समाप्त हुआ। ऐसी खबर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले मिलते हैं। अगले खबर में नमस्कार।